तो गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो हर सीज़न की तरह इस सीज़न में भी आपको कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी फिश हेल्दी रहे, डिजीज फ्री रहे और ना मरे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के सीज़न में फिशेज का केयर कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है मॉनिटर वाटर टेम्परेचर। तो गर्मी के मौसम में वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं, लेकिन आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि इंडिया में हर जगह का टेम्परेचर एक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी के सीज़न में शाम के वक्त बारिश होता है, ठीक है, हर दिन नहीं लेकिन होता है, दो तीन दिन बाद ही होता है, ठीक है, जिससे थोड़ा टेम्परेचर हमारे यहाँ कम होता है, थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है। पहले तो अब एक्वेरियम का वाटर का टेम्परेचर देखिए कितना है, थर्मोमीटर से आप देख सकते हैं कितना है। अगर आपका छोटा एक्वेरियम है, एक फीट, डेढ़ फीट या फिर दो फीट, छोटे टैंक में बहुत ही जल्दी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मैंने देखा है। तो छोटे एक्वेरियम में वाटर कम मत देना, ठीक है। मैंने एक बार देखा है, मेरे दो फीट एक्वेरियम में मैंने पानी थोड़ा कम दिया था, अराउंड 60% दिया था मैंने, ठीक है। तो दोपहर के टाइम में मैंने उंगली डालकर देखा वाटर में, तो मुझे फील हुआ कि वाटर बहुत ही गर्म हो गया है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है, एक्वेरियम में वाटर कम मत देना। तो गर्मी के सीज़न में वाटर का टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो देखिए आप कूलिंग फैन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सीपीयू में या फिर जो इलेक्ट्रिक मशीन में लगा हुआ होता है वो वाला फ़ैन आप लगा सकते हैं। तो आपका अगर बजट है तो आप कूलिंग फ़ैन ही खरीद लें, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक टेबल फ़ैन का जुगाड़ करिए। सीलिंग फ़ैन से भी काम बन सकता है, लेकिन टेबल फ़ैन है तो बहुत ही अच्छा है। टेबल फ़ैन को एक्वेरियम की तरफ ऑन कर दीजिए, ठीक है, इससे टेम्परेचर कम होगा। तो दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन। मुझे मालूम है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, इससे वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक्स्ट्रा एयरस्टोन या फिर पावर हेड या फिर एक्स्ट्रा फिल्टर, जो भी हो आप लोगों को ऐड करना है, जिससे कि फिशेस को ऑक्सीजन मिलता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेज लाइटिंग। हाँ फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में आप लोगों को एक्वेरियम लाइट ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखना है, मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। क्योंकि देखिए, गर्मी के मौसम में आप अगर ज़्यादा देर तक एक्वेरियम लाइट को ऑन रखेंगे तो लाइट हीट हो सकता है, और लाइट के हीट से वाटर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन वाटर क्वालिटी। तो देखिए, समर का सीज़न हो, विंटर का सीज़न हो या फिर कोई भी सीज़न हो, आपको वाटर क्वालिटी ठीक रखना पड़ता है। वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो एमोनिया बढ़ सकता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप रेगुलर वाटर चेंज करिए, वाटर चेंज करने के बाद ब्लू लिक्विड का यूज़ करिए और उसके साथ साथ रॉक सॉल्ट का भी यूज़ करिए। गर्मी के मौसम में आप अगर रेगुलर वाटर चेंज नहीं करते हैं तो एमोनिया लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ रेगुलर वाटर चेंज करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अवॉइड ओवरफीडिंग। गर्मी के मौसम में आप फिशेस को खाना दें, लेकिन ओवरफीड मत करें, क्योंकि गर्मी के वक्त फिशेस का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओवरफीडिंग ना करें। मैंने पहले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि गर्मी के मौसम में आप भर पेट खाना खाए हो, एकदम पेट भर के, ठीक है, उसके बाद आपको कैसा फीलिंग होगा, एक तरफ गर्मी, एक तरफ मतलब फीलिंग ही कुछ अलग है, ठीक है, और उसके बाद गैस, एसिडिटी, मतलब बोल नहीं सकता, ठीक है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, आपके साथ हुआ है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो ज़रूर लाइक भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, मॉनिटर फिश बिहेवियर। हाँ फ्रेंड्स, आप अपने फिशेस को अच्छे से मॉनिटर करिए, देखिए कुछ दिक्कत है कि नहीं, एक जगह पर बैठा है या फिर अच्छे से स्विम कर रहा है, कोई डिसीज वगैरह हो गया क्या। तो आप अच्छे से फिशेस को मॉनिटर करिए, देखिए अगर कुछ दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट चालू करिए। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप एक्वेरियम को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि समर के सीज़न में आपके फिशेस को कोई दिक्कत ना आए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।